तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अपना काफ़ी टाइम से हमने वीडियो नहीं बनाई थी अपनी, तो आज इस बार हमारी वीडियो हमारी स्कूटी के ऊपर, सोनम गुप्ता। तो जिस लोगों को नहीं पता सोनम गुप्ता कौन है, तो हमारी स्कूटी है ब्लैक कलर की, तो हमारे यहाँ स्टोरेज है। तो मैंने काफ़ी टाइम से, 1 ईयर हो गया उसकी, मैंने कोई वीडियो नहीं आई थी। और स्कूटी ना हमारी ख़राब भी हो गई थी, 2 महीने से मैं चला भी नहीं रहा था। तो मैं उसको आज सर्विस सेंटर छोड़ के आया, लेकिन मैं सुबह की वीडियो बनाना भूल गया, एकदम दिमाग से स्किप हो गया। मैं सर्विस सेंटर छोड़ के आया, दिखाता हूँ आपको क्या कंडीशन थी। भाई कोई नहीं, चलो उसको लेने चलते हैं। बाकी दिखाता हूँ कितना मोटा बिल आया उसका। भाई उसका कार खराब हो गया था, कम से कम 5-6 हज़ार का बिल तो बना ही बना होगा। भाई सर्विस है, 3-4 चीज़ें उसकी ख़राब हो गई थी, वही सब है। फिर आपको स्कूटी दिखाता हूँ और आप मुझे बताना इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन कराना है। तो अब चलते हैं स्कूटी लेने। सर्विस सेंटर आ चुके हैं, चलते हैं अपने सर्विस सेंटर अंदर, देखते हैं अपनी स्कूटी क्या हाल है। तो दोस्तों, स्कूटी ने करा दी 1700 रुपये खर्चा, बाकी भी ओरिजिनल बिल इसका कल मिलेगा, क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ, रात हो गई है और ये स्कूटी हो गई रेडी है। देखो चमक गई एकदम पूरी। बाकी घर चलते हैं। बाकी देखो ये सब इसका सामान, मेरा कार्बोरेटर जो ख़राब हुआ था दे रहा। दोस्तों हम आ गए थे अपना घर अपने स्कूटी लेके, रात हो गई थी काफ़ी, तो हमने बिल बिल ज़्यादा बनवाए नहीं। अभी मैं कॉल करके मंगवा ही लूँगा बिल, हमारा जनरेट हो जाएगा, क्योंकि स्कूटी चाहिए थी। इसमें अभी दो काम हो नहीं पाए इसके, मतलब वही ना, इसकी वही ना, मैं क्या बताऊँ यार, रियल लाइफ रिव्यू ना इसका यही है। मतलब इसके ना पार्ट्स ना जल्दी से मिलते ही नहीं, अगर कुछ ख़राब हो जाता है। मेरी जिसकी एक शॉकर की एक सील थी ये वाली, ये इसकी अभी मिली नहीं है। और उसमें एक काम और होना है, बस एक वो काम होना है, तो बस ये पूरी परफेक्ट हो जाएगी, पूरे एकदम सही चलने लग जाएगी। बाकी ये देखो, इसका मैंने दो चीज़ चेंज हुई है। ये रहा अपना कार्बोरेटर, इंजन का कार्बोरेटर होता है जिससे ऑयल वगैरह फिल्टर होके जाता है इंजन में। और एक और चीज़ थी ये और ख़राब हो गई थी, ये सेल्फ की कॉइल होती है, मतलब ये जिससे स्टार्ट होती है। तो गाड़ी की तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो 8 साल हो जाएंगे उसको जनवरी में, मेरे को लिए हुए, मतलब 2016 में ली थी, अब 2024 आने वाला है। तो गाड़ी से तो मैं खुश हूँ, गाड़ी की बस कुछ चीज़ों से कभी कभी परेशान होता था, ख़राब हो जाती थी। लेकिन बस इनका ना कभी कर वही है, अपना सर्विस वगैरह हो जाती है ठीक है, लेकिन इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती ना, बस इसलिए मत्था ख़राब होता है। अब इसके पार्ट्स इतनी मुश्किल में मिलते हैं ना भाई, मत पूछो। अब ये बॉडी का मैंने एक बार बॉडी भी डलवाई थी ना, मेरे को बहुत टाइम लग गया था बॉडी के लिए भी। बाकी स्कूटी चलने वलने में सब ओके है, सब चीज़ बढ़िया है, मैं तो खुश हूँ इस चीज़ से। बस इनकी एक ही चीज़ से डिसअपॉइंटेड रहता हूँ, वो इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। अगर कुछ ख़राब हो जाए तो भैया 10-15 दिन तो भूल ही जाओ, कहीं का तो महीना महीने लग जाते हैं लोगों को। बाकी स्कूटी में कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रही है अपनी 8 साल से। बाकी आप लोगों के पास जिसके पास है माई स्टोरेज बताना, और मैंने इसकी एक वीडियो डाल दूंगा ऊपर, मैं इसको मॉडिफाई करवाना था, तो देखते हैं इस बार क्या इसको क्या मॉडिफाई कराऊं। मैंने बहुत बार इसमें बहुत चीज़ें कराई हैं, यहाँ पे मैंने नकल गार्ड लगवाए थे हैंड गार्ड टाइप के, और ये बार मैंने वैसे वाले लगाए थे क्लिप वाले। और ये टेपिंग तो मैं करवाता ही रहता हूँ हमेशा, अभी थोड़ी ठीक है टेपिंग, अभी ख़राब नहीं हुई है, जब ख़राब हो जाएगी पूरी फिर दोबारा टेपिंग चेंज करा देंगे हम। तो बस दोस्तों, वीडियो यही थी अपनी स्कूटी के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और बताना क्या मॉडिफाई कराऊँ इसके बारे में।